हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो कलावंती हरिश्चंद्र ऐसे बड़े बड़े ट्रैक करने के बाद आज मैं जा रहा हूँ केसरगढ़ ट्रैक के लिए। और मैं आपको आज इस ब्लॉग में टोटल गाइड करने वाला हूँ कि आपको वहाँ तक कैसे जाना है, ट्रैवलिंग का टोटल खर्चा कितना होगा, खाने पीने की फैसिलिटी है या नहीं, या आपको वहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा। ये पूरा प्रॉपर डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो आप ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखना। और अभी फिलहाल निकलते हम लोग यहाँ। सर आज हमारे सोबत श्रेयस है, जितने मैं आदि राजू तिथला फ्रेंड है। आणि राईट नाव आम्ही आता तिकीट काढली इथून पनवेलसाठी। तर सध्या पनवेलला जाणार आणि पुढे मी ट्रॅव्हलिंग तुम्हाला कसं करायचं ते स्टेप बाय स्टेप सांगत जाईल की पनवेलवरून तुम्हाला जे ट्रॅव्हलिंगसाठी काय। सो राईट नाव अभी हम लोग पनवेल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। हम लोग ने 5:45 को ट्रेन पकड़ता भांडुप से और अभी ऑलमोस्ट 7:45 हो चुके हैं। अभी यहाँ से आगे कैसे ट्रैवल करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। मोस्टली तो बस और शायद से कार वगैरह भी रहेगी तो मैं आपको आगे बता। फिलहाल यहाँ पे ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, वाट लगी है। अभी चालू डिस्कशन, ऑटो भी है शायद से बाहर। तो यहाँ से स्टेशन के बाहर से डायरेक्टली आपको ऑटो मिल जाएगी जाने के लिए। कुछ 25 किलोमीटर से यहाँ से, और बोल रहे 50 मिनट्स लगेगा, 45-50 मिनट्स, बट कुछ ज़्यादा प्राइस बोल रहे, समथिंग 400 कुछ बोल रहे प्राइस। बट देखते हैं पहले नाश्ता करेंगे हम लोग यहाँ पे। वहाँ पे खाने के लिए कुछ आइडिया नहीं है तो हम लोग स्टेशन के इसे नाश्ता करके जा रहे हैं। हमें मिंटू वड़ा वगैरह सब मिल जाएगा। तो पनवेल स्टेशन के बाहर ही ऑटो स्टैंड था, बट वो लोग कुछ ज़्यादा ही प्राइजेस बोल रहे थे। तो हम लोग कुछ 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे आगे आ चुके हैं और वहाँ पे बस स्टैंड है जहाँ पे आपको कम कॉस्ट में आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से बस पकड़ के वहाँ पे जाने वाले बेस्ट विलेज में, वो कौन सा मैं आपको आगे ब्लॉग में बता देता हूँ। तो अभी जस्ट हम लोग बस से उतर चुके हैं और जैसे आप लोग बस में बैठोगे तो आपको उन लोग को चौक बोलना है, या फिर नहीं समझा तो चौक स्टेशन के यहाँ पे आप उतर जाना। और वहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा आगे। तो अभी जस्ट हम लोग बस से उतर चुके हैं और बस का टिकट कुछ 26 रुपीज़ ही था। और ऑटो का बोले तो देखा उन लोग ने 450 बोला था एक ऑटो का, तो इससे आपको बस ही बेटर पड़ेगा। तो यहाँ चौक स्टेशन और हम लोग ने उधर से अभी क्रॉस करके यहाँ पे जा रहे हैं सीधा। यहाँ से भी कुछ 20 मिनट्स चलना है। तो चौक स्टेशन से आपको सीधा सीधा चल के आना है और आपको ये बोर्ड दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ से आपको लेफ्ट मारना है ईसालगढ़ के लिए। और देखो सामने ही आपको ईसालगढ़ दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे, यहाँ पे एक बेस विलेज है वहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकेंगे, फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे हम लोग चौक स्टेशन के। यहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाएगा बट वो लोग कुछ 300 रुपीज़ लेंगे बेस विलेज तक। सो इससे बेटर आप चल के जाओ वहाँ से, जो मैंने रास्ता दिखा है वहाँ से आप लोग सीधा चल के जा सकते हो, 20 मिनट्स में पहुँच जाओगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नानिवली विलेज से और यहाँ से आगे कुछ 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे ही काटकर वाड़ी करके है, ऐसे और 2 विलेज हमें लगेंगे। जो एंड में बेस्ट विलेज होगा वहाँ पर हम लोग रुकेंगे, उसका भी नाम बता देता हूँ। वहाँ से रियल ट्रैकिंग स्टार्ट होगा हम लोग का। यह तो सीधा ही रास्ता जैसे विलेज का होता है वैसे नॉर्मली, और यहाँ पे आने के बाद गांव की याद आ रही है बहुत। 2 साल से गया भी नहीं था तो अभी जाऊंगा फिर से, चलते हैं फिर ट्रैक स्टार्ट होगा। तो हम लोग इस रास्ते से आए जहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे रास्ता एंड होने के बाद आपको पत्थर से आना सीधा, यहाँ पे घर दिख रहा है, वहाँ से मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। अगर आप बाय वॉक जा रहे हो तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग सबको पूछ के जाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि रास्ता बहुत आड़तेड़ा है। तो यहाँ पे भी नाश्ता वगैरह अवेलेबल मिलेगा आपको, एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे बाइक पार्किंग है, बहुत से लोग आए लग रहे हैं आज ट्रैक के लिए सैटरडे। तो यहाँ से होने वाला हम लोग का ट्रैक स्टार्ट। सो फाइनली ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और मेरे पीछे आयुष, सबसे पीछे आयुष है, ये मंगेश और साहिब भाई वन मैन शो ही कर रहे हैं आगे आगे अपना। और इधर हम लोग 20 मिनट चल चुके हैं क्योंकि जहाँ से ऑटो था वहाँ से हम लोग चल के आए, क्योंकि ऑटो का कुछ ज़्यादा पैसे ले, समथिंग 300 था ऑटो का,
तो हमने सोचा इतना चलने तो चल ही लेते हैं। और धूप सुबह ठंडी था, अभी गर्मी लग रहा है। तो इरशाद गढ़ की हाइट है 3,700 फीट और हम लोग को 3 से 4 घंटा लगेगा। और मुझे ब्लॉग करते करते तो ऑलमोस्ट टाइम लगता ही है, क्योंकि मैं आराम से आता हूँ सबके पीछे पीछे, तो फिलहाल आगे दिख रहा हूँ बस। और मैं दिखा देता हूँ आपको कि जाना कैसे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे, ये पूरा चढ़ के उतरना है, फिर सेकेंड रोड पर हम लोग को आगे चढ़ना है। तो पहले ये कम्प्लीट कर लेते हैं फिर आगे का। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं और देखते हैं कि हम लोग को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे ढाबा भी है, दिखा देता हूँ खाने के लिए। कोई मैगी वगैरह सब है साथ पीछे, खाना पीना सब है यहाँ पे। समथिंग कुछ जहाँ से हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट किया है वहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पे ये खाने के लिए। आप पीछे रुक सकते हो कुछ खाया नहीं होगा तो, और खा के ही जाना थोड़ा बहुत। ऊपर पता नहीं कुछ अवेलेबल है या नहीं, तो मैं आपको आगे दिखाई देता हूँ। पानी होगा कितना टाइम लागेल? दोन वरती वरती डेढ़ डेढ़ दोन तास तास साहेब। गाव वो गाव वगैरह लागेल तिकडे विचारा पाण्यासाठी। वरती जाऊ असं लागतो तर मी, दुकान वगैरे नाही, वरती जाऊ लागेल। हो रात्रीच जाऊ। कॅम्पिंग केलेली? कॅम्पिंग नाही रे, अरे 1:30 ला चालू केला, 4:30 ला संपला। आओ 1.5 तास काय कॅम्पिंग करणार, मग चिकोटे वगैरे बघून बसलो तर। चला 2 घंटा। गुड लक ब्रो। या सगळे स्पायडरमॅन झाले, आता आधीच घामायला स्टार्ट झालंय। अभी और ऊपर जाना है, बट यहाँ पे आके देख देख सकते हो मोरबे डैम है। और अगर हम लोग जल्दी आए तो यहाँ पे भी जाएंगे, पहले ऊपर ही जाते हैं। अभी जस्ट फर्स्ट बैच ही कंप्लीट कर पाए, तो हम लोग ने जल्दी किया, 15 मिनट ही हुआ है अभी तक स्टार्ट किया ट्रैक करना। धूप की वजह से वाट लग चुकी है। वरती थांबूया, चल ऊपर थोड़ी देर होल्ट लेंगे, सब लोग थक चुके ऑलरेडी, प्याज भी लगा है बहुत। फिलहाल तो मैं अकेला ही ऊपर आ चुका हूँ फर्स्ट बैच पे, वो लोग आ रहे थे और रेस्ट कर रहे थे, और यहाँ पे छाव है तो मैं यहाँ पे बैठ जाता थोड़ी देर। फिर से जा रहे अभी, इतनी खतरनाक गर्मी है ना। मोस्टली आप लोग आ रहे हो तो दो पानी का बॉटल जरूर लेके आना, फिर आगे गाँव है वहाँ पे तो पानी मिल जाएगा, फिर भी कैरी कर देना 2 बॉटल्स। और खाने के लिए जो भी हम लोग ने नीचे वहाँ पे बस स्टॉप पे ले लिया था, बिस्किट या फिर जो भी खाने के लिए चाहिए होगी, तो आप लोग भी बैग में जरूर कैरी करना। फाइनली मुझे एक स्टिक मिली, अभी चढ़ने में थोड़ा सा इजी हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं पर ठीक है, जितना इजी हो उतना बेटर है। तो मैं फर्स्ट पैच के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ का व्यू देखो, अभी यहाँ पे फर्स्ट पैच के यहाँ पे आगे उधर एक शॉप है, तो मैं सोच रहा हूँ नींबू पानी वगैरह रहेगा तो वहाँ पे पी लेता हूँ मैं,
वैसे ये लोग तो आ ही रहे पीछे से, अपन चलते थोड़ा धीरे धीरे आगे। आता तसे आपण इकडे आता करू शकतो ना, बघू ना, पण वेळ झालं तर तू बाहेरच जेवायला लागेल, बाहेरच जेवणार कोणी मग। अभी हम लोग नींबू पानी का वेट कर रहे हैं, ये कॉल पे बिजी। अरे देखो इतने ऊपर सोने के लिए आए लोग, मैं अभी भी नींबू पानी पी के सो जाऊंगा। 3 बड़ा वाटला ना ब्रेक के बाद। तो 15 मिनट ब्रेक के बाद हम लोग फिर से निकल चुके, अभी 11:10 हो चुका है हम लोग को यहीं पे। अभी देखते हैं अभी और आगे जाने में कितना टाइम लगेगा। हाँ एनर्जेटिक लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, इसका भी एनर्जी फिर से डाउन है, आलस आ रहा है मेरे को तो अभी रुके इसलिए सच में। धूप ले रहा भाई। सीधा सो गया था मैं तो नींबू पानी पी के अभी। भी देखते हैं अभी यहाँ से हमें कितना टाइम लगेगा, आगे साइड से एक विलेज है वहाँ पे जाके 5 मिनट रुकेंगे, वहाँ से फिर से कंटिन्यू। गाय बहुत है यहाँ पे, देखो नीचे ही समथिंग 10-15 थी यहाँ पे भी। ये देखो कौन सा खंबा लेके जा रहे हैं, बांबू मेरा साइड वाला है। मेरा कुपोषित तो वाला। अभी ऑलमोस्ट और 10 मिनट हो चुके हम लोग को चलते चलते, और हम लोग अभी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के गाने सुनते जा रहे हैं, क्योंकि और जोश आ रहा है उससे और एनर्जी आ रही है। हम लोग अभी ईशार वाड़ी में पहुंच चुके, यहाँ से आए थे ऑन द वे। अंकल रास्ता बता रहे लेफ्ट राइट। अभी यहाँ से ऊपर जाना है, हम लोग पूछ पूछ के जा रहे हैं कहाँ से रास्ता है। चल रहे यहाँ से ऑलमोस्ट, अभी हम लोग नियर बाय है, परसों यहाँ से रास्ते घूम के जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं अभी, मेरे को लग रहा है 1 घंटे में पहुँच भी जाएंगे। चलो यहाँ पे एक मंदिर है, ये कह देता हूँ पैर पड़ के जाते हैं। आप यहाँ पे एक मंदिर है, इसका नाम ईशा देवी है, यहाँ पे हम लोग अभी शूज निकाल के जाएंगे, पैर पड़ेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर आ चुके हैं और
सब लाइन से बैठे और ये भी बहुत सही है फोटो निकालने के लिए। हम लोग ये भी फोटो निकाल रहे हैं और नीचे का व्यू देखो आप। क्या सही भी बार है यहाँ से तो थोड़ा सा फोटो ले। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल। आगे निकल रहे यहाँ से, आगे बढ़ रहे। यहाँ का व्यू बहुत पसंद आया मुझे, बहुत अच्छी फोटोज और वीडियोज आए वहाँ पे। अभी और लोग मिले हम लोग को, पहले कोई दिख नहीं रहा था इतना, इसी बात को हम लोग आज ट्रेकिंग के लिए। बंद अलग ही है तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत ऊपर आ चुके और यहाँ पे भी आपको शॉप मिल जाएगा खाने पीने के लिए। अरे लिंबू पानी है वहाँ पे और देखो एंड हम लोग शायद 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। हम लोग को बस ऊपर जाना है, फिर से और एक बार लिंबू पानी पीते और चलते ऊपर। हमको सिखा रहा है तू, तो हम फोटो काढला असते खाली काढला असते वर टॉपला जाऊ। अरे वरती बंद कर, बंद कर वीडियो, बंद कर, बंद कर। हाय कधी चढायला पण उतरे ना। तो यहाँ से आगे जाने के लिए शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट फिर भी मैं ऊपर गया था। यहाँ से जगह तो नहीं है बट जो रॉक्स दिख रहे हैं उसको पकड़ के मैं ऊपर गया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक फ़ोटो वीडियो लेना था। बट मज़ा आया, कुछ अलग किया। फिर चलते, ये लोग सब नीचे से गए, अपन भी जाते। मैं ये राइट साइड पे दिख रहा है वहाँ ऊपर था, बट लेफ्ट साइड से एक छोटा सा पैच है जहाँ से आपको जाना चाहिए, तो ईजी रास्ता है वहाँ से। हम लोग तीनों ये दोनों गए आगे। लींबू पानी की वजह से बिल्कुल भी थकावन नहीं लग रही है अभी। तो हमारे आगे वहाँ पे प्रबलगढ़ और कलावंती है और इसके दूसरी साइड पे माथेरान है, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से आगे। और भाई लोग इधर बैठे, अरे निसर्गाचा मैं भर चढ़ ले लो पूर्ण। अरे इधर से गैप से ना, बहुत छोटा सा रास्ता है उधर से। लाल परी घाटे थांबला नाही का, लय मार खायला था लाल परी घाटे पण थांबायचं। बाईने जाऊन निरीक्षण करून बघितलं सकून। चलो हे रुको, हे पॅच आहे ये पैच मुझे बहुत पसंद है, अच्छा था बहुत। वेलकम सर का उड़ी पान लगी, ये पैच बहुत अच्छा था पीछे का। का होटल
एकदम ओके मध्ये काय दगड काय दगड काय ते किल्ले जे क्लाइंबर्स असतात ना त्या लोकांना तो रास्ता सही आहे. मी चढलेलो तिथून. ओके ये बैक साइड का व्यू देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है. रेनी सीजन पे तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये पैच बहुत ही छोटा है तो बारिश से थोड़ा सा जस्ट पहले भी आ सकते हो आप. ओके वायरल अभी हम लोग को ये ऊपर वाला सीधा पैच चढ़ना है और दीदा को मैप दाको दिखाता जोज भरा हुआ तो यहाँ पे गुरु लेकर यहाँ से जाओ. हम लोग गलती से आगे गए थे. वो चीज मत करना. गलती से इंसान सीखता है पर मेरे की चाल को सीख नहीं रहे. गिरने से इंसान सीखता है भाई. बाबा ऐसे बोलने को गिरने से इंसान सीखेगा भाई. नहीं मेरा भाई तू भी उड़ाए भाई. नाम से नाम का नाम दो भाई. ए काटी अड़को मागे बैगेट काटी दिया बेटा. अरे चढ़ लो तो खर हां काटी अडको ना भावा. कुठे? अरे मागे टाक ना बाय तुझा माझ्या असं असं टाकायला नाम लो भाई. चलो चलो आराम से चलो. यही तो कॉर्नर ही है. ध्यान से आओ. मोबाइल भी पकड़ो. ऐसा पर मोबाइल के साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इस बैच में दोनों हाथ नीचे चाहिए तभी इजीली चढ़ पाओगे. म्हणून सांगतोय घातली असणार त्यांनी एवढा पण काय नाही रे. ओ वाव हे रोप साठी. वेट 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 स्टार्ट करो. मैं कर दिनो जरा 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 काही नाही. चल इजी आपला लोक या शिव. चल रस्सी से ऊपर जाना. आगे सीढ़ी भी है. नाम लो हो जाएगा. तो अभी हम लोग फर्स्ट पैच पार किए और देखो छोटे बच्चे यहाँ पे बैठा है और वहाँ पे और एक टेंपल है आगे. हाँ और यहाँ से और थोड़ा सा चढ़ने में वहाँ पे एक दादाजी है जो सबको हेल्प करे ऊपर चढ़ने के लिए. चलते अभी और ऊपर. दोन पकडलं बाची इथून घसरले होते. घसरले इथून त्याच्या बोटाची एकाची लागला. एकाचे जो दादाजी है नीचे उन्होंने ये सीढ़ी वगैरह लगाई है क्योंकि यहाँ पे दो तीन लोग स्लीप हो चुके थे. तो अच्छा है कि सबकी हेल्प कर रहे रुक के अभी थोड़ा और डिस्टेंस है आगे. थाम
तो फाइनली हम लोग टॉप के यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से और एक पैच है, वो बाद में पार करेंगे। पीछे जो दिख रहा है उसको मराठी में नेट बोलते हैं, हिंदी में मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इट्स नेचुरल है। इसके अपोजिट का भी आपको दिखा देता हूँ मैं। पैच तो हो गया, अभी हम लोग सेकंड पैच पे जा रहे हैं, बट किधर है देखते हैं पहले। या चढ़ सकते हो बट संभव ना, ग्रिप पकड़ पकड़ पाउडर है ना, पाउडर कौन सी पाउडर भाई जी, कोणाला हात लावला गेला खाली काय काय हसलाय बघा भाऊ। सेकंड पैच किधर है, झालं एवढंच बस इतना ही। मला घाण, मेरी गंदी आदत है कि मोबाइल चालू ही रखो, बट मुश्किल है, इधर रखना पड़ेगा। रख देता हूँ भाई, ऊपर ऊपर ना टट्टी कही हुई है किसी ने तो। यस प्लीज टेक दिस, ऐसे ही पकड़, ऐसे पकड़, उल्टा ही पकड़, बस बस रहने, ग्रिप 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 ग्रिप। ये हम दोनों मचा रहे, उधर भी ऊपर चढ़े, इधर भी ऊपर चढ़े। ओ भाई टॉप व्यू मैं तो बगू नहीं, थोड़ा सा प्रॉपर टॉप व्यू। ओ सही है, तो यहाँ से आगे एक केव है, हम लोग वहाँ बैठ के फोटोज निकाल रहे थे। केव में जाके बैठेंगे मस्त, आधा घंटा तो हिलेंगे ही नहीं अभी, आज कुछ खाना पड़ेगा, बहुत भूख लगी है। ये हमारा अड्डा, अड्डे पे पहुंच गए। चलो अशी जागा आहे, अभी लोग मस्त में यहाँ पे साइड में बैठे छाव में, देखो देखो पानी इधर, और स्पेशली तो पराठे हम लोग के पास आज इसने लाए, तो अभी खाएंगे मस्त में। यहाँ पे आधा घंटा टाइम पास करने वाले, सोने वाले सभी लोग, और जाएंगे आराम से कब आधे घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से। ज़्यादा टाइम तो व्लॉग नहीं निकलने वाला हूँ, सीधा मैं आपको नीचे मिलूँगा। तो बहुत टाइम तक यहाँ पे आराम किया, और बहुत ठंडी हवा आ रही थी साइड में। अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुके और फटाफट जाएंगे नीचे। अभी मेरे को लग रहा है 1.5 घंटा तो लगेगा नीचे जाने में, क्योंकि 2-3 ऐसा डिफ़िकल्ट पैच है जो आपने व्लॉग में देखा। तो अभी हमने फर्स्टली डिफ़िकल्ट पैच कंप्लीट कर दिया है सब ने, और वीडियो भी निकाले। अभी जाएंगे डायरेक्टली, फटाफट से नीचे जाने वाले हैं अभी नॉन स्टॉप। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट अभी 4 बज चुका है, और देख सकते हो पीछे फोर्ट है। तो हम लोग ने ट्रैक कुछ 10 बजे स्टार्ट किया था, और हम लोग हर आधे घंटे बाद रुक रुक के जा रहे थे, लाइक 5 या 10 मिनट। तो हम लोग को टाइम लगा जाने के लिए, क्योंकि सब लोग आराम से जाने चाहते थे, धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोग को ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा तो लगा जाके आने। अगर आप नॉनस्टॉप जाओगे तो 3 से 4 घंटे में आप आराम से जाके आ सकते हो। और लोकेशन और व्यू बहुत सही है ऊपर का, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए जो मैंने शॉर्ट्स में डाले थे। तो अभी यहाँ से जाएंगे सीधा स्टेशन, और वहाँ पर कुछ खा के डायरेक्टली घर पर निकलने वाले। तो फाइनली हम लोग पूरा बाहर आ चुके हैं, अभी यहाँ से हम लोग को बस पकड़ के पनवेल जाना है, फिर वहाँ पे स्टेशन पे कुछ खाएंगे, और सब लोग बहुत थक चुके हैं जाने के, सीधा सोने वाले हैं कल तक। तो अभी आज का ही ब्लॉग आपको पसंद आ रहेगा तो प्लीज आगे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में और 2 ब्लॉग डालने वाले हो, कलावंत की और हरिचंद्र का, तो वो ब्लॉग भी जरूर देखना। मिलते हैं अभी सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।